सी में देख लीजिए, सी टाइप में क्या है? देखिए पहला, यदि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसको बोला जाएगा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आप पढ़े भी हैं। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला आपको थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा याद आ रहा होगा, याद करने का आप कोशिश कीजिए। ठीक है, इसी टाइप में दूसरा था टैन इनवर्स 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ठीक है, और थर्ड में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देखिए हम क्या किए कि ये सभी का फॉर्म केवल 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स में रख दिए। मतलब कहने का क्या है, जो दिया गया कभी भी आपका इस फॉर्म को रहे, ठीक है, आपको टैन इनवर्स का जरूरत हो तो आप इतना को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, या कभी इतना दिया रहे तो इस तीनों में से कोई एक फॉर्म को लिख सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वहां ये सब और क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा, लेकिन अभी तो केवल प्रूफ पढ़ रहे हैं। जैसे ही एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ठीक ना, तो शुरुआत करेंगे जैसे ही एक दो क्वेश्चन में, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसका प्रूफ में देख लेते हैं। तो इसमें आपको करना है प्रूफ में क्या, एक आप समझ लीजिए, एक को हम प्रूफिंग दिखलाते हैं, आप दूसरा तो खुद कर सकते हैं। ठीक है, यानी साइन इनवर्स 2x/1 + x² इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होता है, ये होता है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ हम लोग करते हैं, एलएचएस एलएचएस से चलते हैं। तो क्या है जी, साइन इनवर्स 2x/1 + x² है। ठीक है, साइन इनवर्स 2x/1 + x² है, ये तो समझ पा रहे हैं। अब जैसे ही हम यहां क्या सोचे कि ये एक फॉर्मूला पे आ जाए, तब आपको दिमाग में चल रहा होगा क्या कि x इक्वल टू टैन थीटा मान लीजिए। सर आप सोच रहे होंगे कि x इक्वल टू टैन थीटा मान लीजिए, यहाँ टैन थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 2 tan θ/1 + tan²θ, फॉर्मूला तो याद होगा आपको, नहीं याद है जी? देखिए ये तो गलत बात है, आप लोग फॉर्मूला जब तक याद ना करेंगे तो पीछे वाला जितना है ना चैप्टर आपसे क्लियर नहीं होगा, हर बार आपको फॉर्मूला का सहायता लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब इतना इक्वल टू कह सकते हैं साइन इनवर्स 2 tan θ/1 + tan²θ लिख सकते हैं। और इतना इक्वल टू क्या होता है जी, तो साइन इनवर्स साइन 2θ, फॉर्मूला तो याद होगा, इतना का फॉर्मूला साइन 2θ होता है, इस चीज को तो आप समझ गए। अब बताइए कि साइन इनवर्स और साइन जब होता था तो क्या होता था, एक चीज तो हम बताए थे आपको इस तरह का कि साइन इनवर्स एक्स हो, ऐसे नहीं बताए थे, साइन इनवर्स और साइन एक्स हो तो क्या मिलता था एक्स, या हम कॉस इनवर्स, यहाँ कॉस है, यहाँ कुछ भी दे दे, 2x दे दे तो क्या मिलता था, 2x मिलता था कि नहीं, यानी जो वैल्यू होता था इसके एंगल में, ये दोनों आपस में साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन कॉट कॉट मैच करना चाहिए और वही हमको एंगल निकल जाता था। तो ये क्या करेंगे, इसके बदले हम लिख सकते हैं 2θ। साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करके लिखे, कैंसिल होता नहीं है लेकिन ये हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कभी अगर इसका होगा तो आपको बताएंगे कि कैसे प्रोसेस काम करता है। ठीक है, तो ये 2θ लिख लेंगे, और हम डिफरेंशिएशन में भी एक बार बताए हैं कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो 2θ इक्वल टू, अब इतना का वैल्यू 2θ लिख दिए, तो बताइए 2θ इक्वल टू कह सकते हैं 2, और थीटा बराबर क्या है, यहां देखिए इसको थोड़ा सा सोल्व और करना होगा, थीटा इक्वल टू कह सकते हैं कि टैन इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख दीजिए 2 tan इनवर्स x। और ये कहां से, मान लेते कि इक्वेशन इसको 1 ले लेते थे तो यहां from 1। ठीक है, यानी ये प्रूफ हो गया क्या चीज़, तो प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² इक्वल टू 2 tan इनवर्स कितना x होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, RHS,
हमने क्या माना था LHS, मिला क्या RHS, और प्रूफ क्या करना था यही ना, LHS बराबर RHS, ठीक है। तो इसी तरह सेकंड का भी फॉर्मूला, अब सेकंड के लिए फॉर्मूला के लिए आपको सोचना होगा थोड़ा सा, क्या है जी, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है, होता क्या, इसी तरह से 1 माइनस क्या और यहां 1 प्लस क्या, तो फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो ये तो गलत बात है, ठीक है। आप पीछे जाइए और उसको देखिए कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद हो जाएगा ना। चलिए,